अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि बच्चों की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को कैसे जो है पेरेंट्स डील कर सकते हैं, क्योंकि COVID-19 की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि अचानक से जो है उनके बच्चों के अंदर जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो इन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आज हम पूछते हैं सर खुर्रम से। सर खुर्रम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर मैं भी ठीक। सर COVID-19 की वजह से जो है वोकेशन जो है बच्चों को है स्कूल्स के अंदर और घर के अंदर रहते हुए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम शुरू कर दी हैं, घर वालों को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और इसके साथ साथ जो है उनकी टोटली रूटीन जो है डिस्टर्ब हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हफीज, मेरे ख्याल में एक तो कोई प्री प्लान ये सब कुछ नहीं हुआ, अचानक से एक आप कह रहे डिज़ास्टर आया है और उसके बाद उसने सारे बहुत से लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर किया, ना सिर्फ बड़ों की बल्कि छोटों की ज़िंदगियों को भी बहुत हद तक मुतासर कर दिया हुआ है। एक बच्चा जो कि अपना तकरीबन अगर 12 घंटे हैं दिन के, तो उसमें से 8 से 9 घंटे जो है वो पढ़ाई में गुजारता था, अब सडनली एक गैप आ गया है कि जी वो कहीं जा नहीं सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो उसकी वजह से कुछ करने के लिए कुछ नहीं है, स्केजुअल ने बनाया हुआ, माँ बाप जो हैं स्केजुअल के बगैर ही उसको चला रहे हैं। ये सारे जो इश्यूज हैं ना एक बंदे के अंदर, बिहेवियर इश्यूज जो है एक बच्चे के अंदर, वो क्रिएट करने का बायस बन सकते हैं। अब माँ बाप को चाहिए कि पहले तो एक स्केजुअल मेंटेन करे, यानी कि हर घंटे का उसका एक स्केजुअल बनाया जाए कि उसने इस घंटे में ये करना है, इस घंटे में ये करना है, उसे भी पता हो, उसको टास्क दिए जाएं, वो चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल स्किल से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी अपनी पर्सनल स्किल से रिलेटेड हो, उन्हें टास्क देने चाहिए, छोटे छोटे टास्क देने चाहिए और उन टास्क को फिर फीडबैक के थ्रू आप इन्हेंस कर सकते हो, स्ट्रेंथ कर सकते हो उनको। सपोज अगर आपने बच्चे को कह दिया है कि जी अगर बेटा आज आप 2 घंटे बगैर किसी गाइडलाइन के ओन सेल्फ स्टडी करोगे तो मैं आपको चॉकलेट दूंगी, जो एक चीज़ हमने वैसे डेली लाइफ में प्रोवाइड करनी होती है उसको एसोसिएट कर देना चाहिए किसी चीज़ के साथ, अगर तो वो इस तरह करता है उसे चॉकलेट देनी चाहिए और चॉकलेट में डिले नहीं होना चाहिए, इमीडिएटली चॉकलेट देनी चाहिए ताकि उसका ये बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथ हो। अब मुख्तलिफ जरूरी नहीं कि बच्चों को चॉकलेट ही, अब बच्चे की पसंद पूछनी चाहिए कि बच्चा किस चीज़ को लाइक करता है जो कि अफोर्डेबल हो, तो वो वाली चीज़ उसके यानी कि अगर डिमांड पे आप एसोसिएट कर दें कि अगर बेटा आप ये काम करोगे तो आपको ये वाली चीज़ मिलेगी, तो उसको दें, इंशाल्लाह वो घर में बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। हाँ, इन केस अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तब भी नहीं करते, उनके साथ क्या किया जाए, एक सवाल ये बनता है, या वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करवा रहे हैं। आजकल जो COVID-19 की वजह से हर बंदा घर में, बड़े भी घर में, रोज़मर्रा के कामकाज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो अग्रेशन शो करवा रहे हैं बड़े भी। अब बच्चा ऑब्जर्व करके भी सीखता है, आप कोशिश करें कि बच्चों के सामने इस तरह का बिहेवियर ना अपनाएं जो कि वो सीख ले, गुस्सा वगैरह करना, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, जैसे आप इस पौधे का शोहर है वो अपनी बीवी के साथ जिस वे में बातचीत करता है, बच्चा अपने से छोटे में छोटे बच्चों के साथ उसी तरीके से बातचीत करता है, जिस तरह शोहर अपनी बीवी पे रोब जमाता है इसी तरह एक बच्चा जो है वो अपने दूसरे बहन भाइयों पे रोब जमाता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको भी थोड़ा सा फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा अहम कंसीडर किया जाता है, इसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा अहम है कि बच्चे थ्रू ऑब्जर्वेशन ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एक्टिविटीज़। अब एक सवाल और बनता है कि जी अगर बच्चे फिर भी बाध ना आए, गुस्सा वगैरह शो करवाएं या कोई नेगेटिव बिहेवियर शो करवाएं, तो एक टाइम आउट टेक्निक होती है, साइकोलॉजिस्ट मोस्टली टाइम आउट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ऐसी जगह पर जाके बच्चे को तो उस कमरे में बंद कर दें जहां उसके खेलने वाली कोई चीज़ ना हो या उसकी पसंदीदा चीज़ कोई ना हो, तो फिर आप देखेंगे कि वो बच्चा इस टाइम आउट टेक्निक की वजह से काफ़ी कुछ उसमें के अंदर बिहेवियर जो इश्यूज होंगे वो चेंज हो जाएंगे। रिवार्ड बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा,
अहम रोल अदा करती है। ये छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप लोगों को अपने बच्चे से रिलेटेड, उसके बिहेवियर इशू से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपका अपने बच्चों से रिलेटेड इश्यूज जो आपको सामना करना पड़ रहा है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, बच्चे की करवा सकते हैं, या फैमिली में क्योंकि बड़ों का रोल बहुत ज़्यादा अहम है उनकी भी की जा सकती है। थैंक यू सर खुरम, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप सर खुरम से कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर हो आप पूछना चाहें तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।